हेलो डियर स्टूडेंट दिस इज़ मनीषा तोमर एंड हियर आई एम विद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पीरियोडिक टेबल करेक्ट द स्टेटमेंट्स यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर सेवन में स्टेटमेंट दे रखी है फोर स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू करेक्ट द स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड हैव इक्वल वैलेंसी सो डियर स्टूडेंट एज यू नो दैट किसी भी पीरियड में वैलेंसी क्या होती है चेंज होती रहती है फ्राम लेफ्ट टू राइट इफ़ यू आर गोइंग फ्राम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड बैलेंसी विल भी चेंज फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप के एलमेंट्स की वेलेंसी वन होती है सेकेंड ग्रुप की टू होती है थर्ड की थर्ड फोर्थ की थर्ड मीन्स थर्टीन की थर्ड फोर्टीन की फोर्थ फिफ्टीन की फिर से थ्री हो जाती है एंड फिर टू एंड वन लास्ट एंड लास्ट में इनर्ट गैसेज की ज़ीरो होती है यानी कि पीरियड के अंदर बैलेंसी इक्वल नहीं होती है बल्कि किस में इक्वल होती है इन अ ग्रुप तो यू हैव टू करेक्ट दिस स्टेटमेंट इक एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड्स की जगह क्या करना है आपको इन द सेम ग्रुप क्या करना है आपको सेम ग्रुप सेम ग्रुप में बैलेंसी इक्वल होती है पीरियड में नहीं क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स इन एन एलिमेंट वैलेंसी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल्स इन दटम्स सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग वैलेंसी नंबर ऑफ सेल्स पर डिपेंड नहीं करती है वैलेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेल की जगह क्या आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऐटम इन एन एटम मीन्स आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम क्लियर थर्ड क्वेश्चन कॉपर एंड जिंक आर रिप्रजेंटेटिव एलिमेंट्स कॉपर एंड जिंक आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोथ आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन प्लेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यू हैव टू राइट ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप टू टू ट्वेल्व ग्रुप नंबर टू से ट्वेल्व तक के एलिमेंट्स को हम सॉरी थ्री से ट्वेल्व तक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं फर्स्ट सेकेंड को हम एल्कलाइज मेटल्स कहते हैं लास्ट में सिक्स थर्टीन टू एटीन जो होते हैं वो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में जिसमें मिक्स आते हैं वो कहते हैं तो वहाँ हम यहाँ पर जो कॉपर और जिंक हैं कॉपर एंड जिंक कॉपर ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर इलेवन का एलिमेंट्स है और जिंक ट्वेल्व का एलिमेंट्स है सो दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेसड एट दट extreme right of the periodic table again this statement is wrong transition एलिमेंट जैसे मैंने आपको बताया टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसमें टू से लेके टेल्व के बीच में होते हैं मतलब पहले दो ग्रुप होते हैं और लास्ट में सिक्स ग्रुप होते हैं तो ये एक्सट्रीमली राइट right में नहीं होते हैं एक्सट्रीमली राइट right में कौन होते हैं नोबल गैसेस ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जगह क्या लिखेंगे आप नोबल गैसेस और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे आर इन द मिडिल अगर आपको राइट right में ही बताना है एक्सट्रीमली राइट में कौन होता है तो आंसर होगा आपका नॉबल गैसे सो लेस्ट सी दीज आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव इक्वल वैलेंसी किसकी यहाँ पे चेंज हो गया है ग्रुप वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ओके कॉपर एंड जिंक आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नॉबल गैसेस जो होती हैं ये एक्सट्रीमली राइट right होती हैं इन द पीरियोडिक टेबल आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलते हैं तो ये सीरीज़ आप देखते रहें मैं एक एक दो दो क्वेश्चन करके ही ये सीरीज़ अपलोड कर रही हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट मी इफ़ यू हैव एनी डाउट और लाइक करें अगर आपको पसंद आ रही है ये सीरीज तो थैंक यू थैंक यू सो मच